गुड मॉर्निंग माय डियर सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर सिंह, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास एट वालों के लिए एक्सरसाइज 6.3 में आगे बढ़े हैं। मैं सिंह, इसके पहले के सारे क्वेश्चन लग गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हम उसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं आई, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 26535 टू मेक इट परफेक्ट। तो देखिए कैसे करेंगे आप। देखिए मैंने स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं, चलिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ। दो दो का पेयर बनाएंगे, अब वन वन जा वन, टू में से बनेंगे कट, फिर वन को जोड़ेंगे टू, फिर सिक्स अगला पेयर होता है 65, फिर सिक्स बनेगा सिक्स, सिक्स जा 36। तो स्क्वायर रूट आपने निकालना, आप स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके डिवीजन मेथड से। तो देखिए तो यहाँ पे रिमाइंडर फिर इसी तरह बचेगा 291। तो 291 तो वह लिस्ट नंबर क्या होगा माय फ्रेंड, 291। अगर इसी लिस्ट नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे तो वो जो नंबर मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। वैसे तो आपका आंसर क्या होगा, लीस्ट नंबर टू मेक 265 एज परफेक्ट स्क्वायर 291। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 4931 टू मेक द सम ऑफ परफेक्ट। कि अब वो कौन सा नंबर है जिसको इसमें प्लस करें तो प्लस करने पे जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर। 4931 77 जा 49 कट गया, फिर अगला पेयर 30। तो अब देखिए अब यहाँ पे लेकिन हमको प्लस करने के लिए बोला है, तो ये जो नंबर है 17 का स्क्वायर, चूंकि ये रिमाइंडर है तो इससे बड़ा है ये नंबर, फिर इससे बड़ा है इस 71 स्क्वायर, क्योंकि 70 के बाद क्या होता है 71 स्क्वायर। यानी कि ये जो नंबर है 17 स्क्वायर और 71 स्क्वायर के बीच में होगा, तो 70 और 71 स्क्वायर के बीच में होगा। तो देखिए तो रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड टू 4931 टू मेक द सम एज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे तो माइनस सेन क्या मिलेगा 110। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर स्वाप। तो फाइव डिजिट लीस्ट नंबर क्या मिलेगा माइनस सेन, एक लगा के 40। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, आप स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं डिवीजन मेथड से। तो आप देखिए इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी एक प्रकार का ये परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो फाइव डिजिट लीस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 10,000। अब इसका स्क्वायर रूट हम यहाँ निकाल चुके 100। ओके माय सेम, तो लीजिए माइंड सेम। तो जितना क्वेश्चन मैंने रफ पे करा दिया फिर भी आप उतार लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं भी, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो है इसको इसमें डिवीजन मेथड से करना, मतलब इसका रूट निकालने की दो मेथड है, फैक्टराइजर डिवीजन, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डिवीजन मेथड ही लगाना पड़ेगा। ओके मैं से अगर गुणा भाग की बात करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करें क्या डिवीजन की परफेक्ट हो, तब तो आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज मेथड से करेंगे, लेकिन अगर प्लस माइनस की बात कर देगा तो डिवीजन मेथड ही करेंगे। ओके मैं से और जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन में बुक से लगाएंगे, और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं पाया उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे रहा हूँ, बढ़िया पॉज करके क्वेश्चन आगे क्वेश्चन सॉल्व। ओके मैडम से लीजिए मैडम, 6.2 का मैडम से मैंने 4 बता दिया 6, तो 5 इसी तरह कर लीजिएगा। ओके मैडम से 7-8 बता दिया 9-10, सॉरी मैडम वो 6.2 का, 6.3 का मैडम से 4 मैंने बता दिया, तो 5 इसी तरह कर लीजिएगा 7-8, ठीक है मैडम से 9-10। ओके मैडम से तो देखिए 10, 11, 9 इसी तरह है, 5-8 सम इसी तरह है 7 तक, और 4 की तरह 5 है, 6 की तरह 7 है, 8 भी उसी तरह है। ओके मैं से तो इस तरह से जितना मैंने क्वेश्चन का सेम टू सेम आपके 11 तक लग जाना चाहिए मैंने उसे, और हम आपको एडवांस उमंग दे दें 12, 13, 14 करिएगा, करने की कोशिश करें, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में आपसे जब भी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 स्टार्ट करें, कुछ नहीं करना है, सारे में स्क्वायर रूट करना है, हिंट दे दिया हूँ, फिर भी करिएगा, आएगा ठीक है, नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम पे जब भी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे हम बढ़े। ओके वैसे तो जितना क्वेश्चन मैंने रफ पे करा दिया फिर पे उतार लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं विश्वास, जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन में बुक से लगाएंगे, और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं पाया है उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे दिया हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन सॉल्व। ओके मैं, और कोई भी डाउट होगा तो हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं विश्वास, ओके मैं, गुड मॉर्निंग विश्वास, बेस यू टुमारो एंड वंस अगेन जय।